भारतीय जनता पार्टी ने अपने हरियाणा संगठन में भारी फेरबदल किया है। 22 जिला अध्यक्ष में से 11 में जिला अध्यक्ष बदले गए हैं। इसी के साथ प्रदेश स्तरीय संगठन में भी बड़ा फेरबदल किया गया है। गुरुग्राम की जिला अध्यक्ष गार्गी कक्कड़ को प्रदेश में सचिव का पद दिया गया, जबकि सामाजिक समरसता के पुरोधा एवं सर्व समाज के नेता जीएल शर्मा को पार्टी ने फिर से प्रदेश उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी है। प्रदेश में फिर से उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी मिलने के बाद जीएल शर्मा के सेक्टर 15 पार्टू निवास पर सुबह से बधाई देने वालों का तांता लगा रहा। भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न प्रकोष्ठों के पदाधिकारी के साथ सामाजिक धार्मिक एवं सांस्कृतिक संस्थाओं के पदाधिकारी ने पहुंचकर जीएल शर्मा को फिर से उपाध्यक्ष बनने की बधाई दी। समर्थकों एवं कार्यकर्ताओं ने जीएल शर्मा को पुष्प देकर एवं मिठाई खिलाकर उन्हें नए कार्यकाल की बधाई दी। सुबह से शुरू हुआ बधाई का सिलसिला देर शाम तक जारी रहा। इसी बीच हमारे संवाददाता ने भाजपा के नवनियुक्त प्रदेश उपाध्यक्ष जीएल शर्मा के निवास पर पहुंचकर उनसे विभिन्न विषयों पर बातचीत की। देखिए, भारतीय जनता पार्टी संगठन की पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी में जो कार्यकर्ता है वो संगठन को मजबूत करने के लिए ही काम करता है। अन्य पार्टियों का संगठन नहीं, लेकिन बीजेपी कार्यकर्ता के रूप में पार्टी की बहुत बड़ी जिम्मेदारी पार्टी लेकर के पन्ना प्रमुख तक चलने वाली पार्टी है। और मैं जो मेरे को दायित्व दिया है तो इसके लिए तो मैं सबसे पहले अपने हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री सरदेव मनोहर लाल जी, हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री नायब सैनी जी सहित अपने संगठन के सभी प्रदेश नेतृत्व को और केंद्र नेतृत्व को आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि दोबारा से मुझे प्रदेश उपाध्यक्ष के रूप में दायित्व देने का काम किया है। तो मैं अपने संगठन को ये भी विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जो मुझे काम मिला है अब तक, उसमें जुनून के रूप में मैं उस कार्य को करता हूँ और अपने अथक परिश्रम से कार्य में सफलता हासिल करने का, अपना सरसों देने का काम कर रहा हूँ। आगे भी जो पार्टी संगठन मुझे जिम्मेदारी जैसे प्रदेश उपाध्यक्ष ही मिलेगी, जो भी काम देंगे उस काम को परिपूर्ण करने में मैं अपना तन से मन से अपना सरसों देने का प्रयास करूँगा। सरवर जी, क्या क्या विजन रहने वाले 2024 को राम मंदिर की भी 22 जनवरी को? देखिए, मैं आपको ये निवेदन करना चाहता हूँ कि भगवान श्री राम जी का भव्य मंदिर अयोध्या में बन रहा है। वर्षों की त्याग तपस्या और लोगों के संघर्ष के बाद में भगवान श्री रामलला जी, जो हमारे हिंदुस्तान के आराध्य देव हैं, जो हिंदुस्तान में सुबह उठते ही राम राम करके शाम तक राम राम से ही दिन का समापन करते हैं हम, तो ऐसे राम जी का 22 जनवरी को अपने घर में पदार्पण होना ये देश के लिए, हिंदुस्तान के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। और ये श्रेय हमारी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को जाता है कि उन्होंने, और हमारे यूपी के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने मिलकर के एक भव्य जो अपेक्षा हिंदुस्तान के लोगों की थी उसको परिपूर्ण किया है। और 22 जनवरी को एक बहुत बड़ा भव्य आयोजन हम लोग हरियाणा में भी कर रहे हैं, लोगों को निमंत्रण भी दे रहे हैं, प्रत्येक घर में पूरे हरियाणा में उस दिन दिवाली मनाई जाएगी। ये दिवाली का ही त्यौहार हम मान के चल रहे हैं। ठीक शर्मा जी, आप प्रमुख दावेदार हैं गुरुग्राम विधानसभा से, तो क्या कहेंगे इस बार, क्या तैयारी, आपकी तैयारी पूरी तरह से कर रहे हैं? ये देखिए, दावेदारी पेश करना प्रत्येक कार्यकर्ता का दायित्व है। मैं भी 2014 में भी 2019 में भी दावेदारी मैंने की और अभी भी मेरा अनुरोध है कि संगठन मेरी ओर देखे, क्योंकि गुरुग्राम में ऐसी कोई स्थान नहीं है जिसमें मैंने अपने दो कदमों से परिश्रम नहीं किया लोगों की सामाजिक रूप से, धार्मिक रूप से और संगठन के रूप में सेवा करने में मैंने कोई कसर छोड़ी नहीं है। तो मेरा संगठन मेरी ओर देखेगा, 2014 में नहीं देखा, 2019 में मेरे को नहीं देख करके दूसरे कार्यकर्ता को उचित समझा, उनको टिकट दिया, हमने संगठन के निर्देश को मानते हुए उन्हें जिताने का काम किया। अब फिर अनुरोध करेंगे, संगठन उचित समझेगा, अगर सेवा का मौका देगा तो गुरुग्राम की जनता की सेवा करेंगे, और संगठन बोलेगा किसी और को जिताना है तो उसको जिताने के लिए काम करेंगे।